प्रेम से बोलिए शिष्य आनंदमयी मात की। माँ से प्रश्न है, माँ ध्यान कैसे किया जाए? माँ, गुरु ने ध्यान जैसा बताया हो वैसा करो। ध्यान करना एक बात है और ध्यान होना दूसरी बात है। जिनको जैसा गुरु ने बतलाया हो उनको वैसा ही करना चाहिए। असल में ध्यान स्वयं अपने आप हो जाएगा। तुम में जो क्रिया शक्ति है उसको लगाकर ध्यान करो। प्रश्न करता, मां ध्यान ना जमे तो क्या करें? मां, जब तक ध्यान में स्थिति ना हो तब तक ध्यान मत छोड़ो। प्रश्न करता, मां जिसका कोई गुरु ना हो वह क्या करे? मां, भगवान का जो नाम अच्छा लगे उसका जप करो। नाम भी अच्छा ना लगे तो चुपचाप शांत होकर बैठे। प्रश्न करता, मां प्रतिवर्ष संयम सप्ताह हो रहा है, क्या आप उसकी परीक्षा लेती हैं या नहीं? मां, यहां कुछ पढ़ा सुना है नहीं, ऊटपटांग बोलती हूं उसे सुनो। जो प्रोफेसर छात्रों की परीक्षा लेता है वह प्रोफेसर तो यह जानता ही है कि इस छात्र में कितना ज्ञान है, किंतु प्रोफेसर इसलिए परीक्षा लेता है कि छात्र स्वयं यह जान सके कि मैंने कितना ज्ञान प्राप्त कर लिया है और मुझ में कितनी कमी है। फिर यहां प्रोफेसर है ही नहीं, छोटी बच्ची है। सबकी ओर संकेत करके, हम तो अपने पिता माता के पास बैठे हैं। भगवान का कैसा सुंदर खेल हुआ, ऋषि लोग खींच खींच कर अपने स्थान पर ले आए हैं। स्थान का प्रकाश नित्य ही है, उसका प्रभाव अवश्य प्रकाश देगा। इन 7 दिनों में तुम सब घर में क्या करते? कितना झूठ सच, संयम असंयम, कर्तव्य अकर्तव्य करते? यहां तुम सब संयम के लिए कोशिश करते हो, इससे जरूर आगे बढ़ोगे। संयमित जीवन पालन करने के माने क्या है? जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। संयम सप्ताह में अधिक निद्रा भी नहीं, अधिक भोजन भी नहीं। भगवान का कैसा सुंदर विधान है, पहले तुम घर में एक थे, स्वयं 2 हुए, फिर 10 हो गए। पहले पढ़ा, परीक्षा देकर धन कमाने लगे, फिर खाने लगे। इसी प्रकार ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम तथा सन्यास आश्रम। भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ नहीं है? एकमात्र भगवान ही सर्वत्र है। वे ही अपने को लेकर खेल कर रहे हैं, उनके प्रकाश के लिए कोशिश करना चाहिए। मनुष्य विषय भोग में ही मस्त रहता है। विषय क्या है? विषय विष है। विष पीने से व्यक्ति तुरंत मर जाता है, किंतु विषय ऐसा विष है जो धीरे धीरे मारता रहता है, स्लो पॉइजन है। मृत्यु कौन है? तुम स्वयं ही मृत्यु स्वरूप हो, तुम ब्रह्म विद्या के अधिकारी हो। गुरु कृपा से ब्रह्म विद्या प्राप्त करने का प्रयत्न करो। खिलाड़ी, खिलौना, खेल सब एक ही है, वह ही खुद है। मैं अमृत हूं ऐसा सोचना चाहिए। ऐसी बुद्धि को ही सुविधि अथवा सुकौशल कहते हैं। यदि विषय वासना में फंसे रहोगे तो फिर रिटर्न टिकट करना पड़ेगा। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और कहां जाना है, यह सब सोचो और शुभ गति की क्रिया करो। दुर्गति की ओर ना जाओ। भगवान दूर हैं यह सोचना ही दुर्बुद्धि है, इसी से दुर्गति होती है। यहां इम्तिहान क्या लेना है, जितना आगे बढ़ोगे उतना ही लाभ है। प्रश्न करता, मां सबके लिए कौन सा दिन संयम के लिए अच्छा है? मां, जिसको जो दिन अनुकूल हो संयम करना चाहिए। बंधन ना रखे किंतु बिना किसी विशेष कारण के नियम बदलना नहीं चाहिए। प्रश्न करता, मां यदि अशौच हो जाए तो क्या करे? मां, भगवान का नाम सारे अशौच को निकाल देता है।
जहां शोक होता है वहां अशौच होता है। जब ध्यान जिस हालत में रहो कर सकते हो। दूसरी बात यह है कि जैसी गृहस्थ की नीति हो वैसा करना चाहिए। प्रश्न करता, मां साधन भजन करते करते यदि कोई कसर रह जाए तो क्या भगवान मदद देते हैं? मां, भगवान जरूर मदद देते हैं, उनके रास्ते पर चलो। प्रश्न करता, मां मनुष्य कर्म के अधीन है या भगवान के अधीन है? मां, भगवान ही सब कुछ है। प्रश्न करता, मां तो फिर दंड क्यों मिलता है? मां, दंड अज्ञानी के लिए है। दुख और दुख निवारण के रूप में भगवान ही है। जहां दुख है शोक है वहां भोग करना पड़ेगा। भगवान ही एकमात्र है। एकम ब्रह्म द्वितीयम न अस्ति, इसकी दो धाराएं हैं, पहली वेदांत में और दूसरी भक्ति में। भगवान ही सब कराते हैं, क्रिया रूप में भी भगवान ही है। उन्होंने ही तरीका भी रख दिया है कि इस रास्ते पर चलो। प्रश्न करता, मां जब भगवान ही करता धरता है तब हम दुख सुख क्यों भोगें? मां, यह भी उन्हीं का खेल है, मौज है। हे भगवान, तुम ही समस्त विग्रह रूप में हो, दुख रूप में सुख रूप में और कौन है? तुम ही तो हो। रास्ता चलने में वही सहायता करता है। भगवान ही सर्वत्र सर्वरूप है। जब तक ऐसा ज्ञान नहीं होगा तब तक प्रश्न जाएगा नहीं। भगवान तो स्वयं प्रकाशित हैं, जैसे सूर्य स्वयं प्रकाशित है, किंतु जब तक बादल की ओट में है तब तक वह हमें दिखाई नहीं पड़ता। इसी प्रकार जब तक माया का आवरण हमारी बुद्धि में है तब तक भगवान के दर्शन नहीं होते। प्रश्न करता, मां हम स्वयं कर्म करते हैं या ईश्वर कराता है? मां, मैं को ऐसा बनाकर रखो कि मैं तुम्हारा यंत्र हूं। यदि तुम यह कहते हो कि भगवान ने ही हमसे चोरी कराई है तो तुम्हें यह भी मानने में दुख ना होना चाहिए कि भगवान ने ही जेल में भेजा है और वही दंड देने का अधिकारी है। भगवान के रास्ते में चलो। भगवान ही सदा सत्य है। जहां राम वहां आराम, जहां नहीं राम वहां बे आराम। एक मां ही है, एक भगवान ही है। जब तक यह अनुभव ना हो तब तक भगवान झूठ है यह कहना ठीक नहीं। भगवान सत्य स्वरूप हैं, यही बात लिया करो। प्रेम से बोलिए श्री श्री आनंदमयी मात की।